दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद सिराज को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले का रोमांच तो पूरी तरह से चार गुना बढ़ चुका है, क्योंकि ये मुकाबला अब भारत के लिए और भी ज्यादा मुश्किल बन चुका है। चलिए बताते हैं आपको तीसरे दिन के खेल की पूरी हाइलाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी में कौन है बेहतरीन तेज गेंदबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच का टॉस जीता था इंग्लैंड के कप्तान ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी इस मुकाबले में बेहद ही शानदार रही और केएल राहुल और रोहित शर्मा ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई, जिसके बाद भारतीय टीम 364 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। उसके बाद जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने सभी का दिल जीतते हुए लगातार दो विकेट लेकर इस मैच में भारतीय झंडा फहरा दिया, क्योंकि सिर्फ 23 रन के स्कोर पर ही हमारी टीम ने इंग्लैंड के दो बड़े विकेट गिरा लिए। इसके बाद तो लगभग 50% मुकाबला भारतीय झोली में आता हुआ दिख रहा था, लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने 3 विकेट खोकर 119 रन बना लिए थे और इंग्लैंड की टीम अब बेहतर स्थिति में जाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इंग्लैंड की शुरुआत काफी सदी हुई रही और बता दें कि जॉनी बेयरस्टो और जे रूट के बीच में एक साझेदारी हो गई, जिसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने क्रीज पर डटकर बल्लेबाजी की। हालांकि भारतीय गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया और शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया। लेकिन दोस्तों भले ही भारतीय गेंदबाज शुरुआत में विकेट लेने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर इतना दबाव बनाया हुआ था कि बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। भारतीय गेंदबाजों ने लॉर्ड्स के मैदान पर पूरी तरह से इंग्लिश बल्लेबाजों को अपनी शिकंजे में जकड़ रखा था। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड के टीम ने तीसरे दिन के पहले सत्र की शुरुआती 15 ओवर खेलने के बाद लगभग टीम का स्कोर 170 रन के पार पहुंचा दिया, लेकिन दोस्तों मोहम्मद सिराज ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, क्योंकि बल्लेबाजों में डर का माहौल था। लेकिन तीसरे दिन के पहले सत्र का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने 200 रन का स्कोर पार कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों भारतीय टीम अभी भी इस मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए हुए थी, क्योंकि टीम को यहां जरूरत थी कुछ विकेट्स निकालने की। अगर हमारी टीम इंग्लैंड को 300 रन के दायरे में समेट लेती है तो भारतीय टीम को काफी ज्यादा मजबूती मिल सकती है, क्योंकि 64 रन की लीड और उसके बाद हमारी टीम अगर 300 रन और बना देती है तो यकीनन 364 रन इंग्लैंड की टीम के लिए चेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दूसरी पारी में खिलाड़ियों के ऊपर दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों तारीफ करनी होगी भारतीय गेंदबाजों की, जिन्होंने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लिश बल्लेबाजों को जमकर परेशान किया और इस मैच में अच्छी खासी पकड़ बनाए रखी। लेकिन दोस्तों आप इस भारतीय गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।